थोड़ी सी सर भी हमारे बात पे हम सीने रहे थे उनको हमारी फिक्र रहते थे पाकिस्तान में एक कर लिया पत्र में बड़ा काम हम कह रहे हैं ये कर लिया एक बड़ा काम किया है वहां पे इंडिया में आप हकूमत के बैंक से गए उनके हैं जनाब उनका नाम विजय माल्या साहब जो है उनके इंडियन एक नेशनल है वो यहाँ से भाग के चले गए लोग वहां पे लंदन सर उन्होंने 1 आपके सारे बल्कि 1.5 अरब डॉलर की उनके इंजाम थे बैंक लूटे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की पैसे लेके वो फरार हो गए वहां पे उसमें चले गए यूके चले गए वहां पे उन्होंने तो उनको माफ नहीं किया उन्होंने इंडियन वहां हुकूमत ने बैंक से जाके केसेस के पहले इंडियन इसमें कोर्ट्स में वहां से डिक्री ली उन्होंने फैसले लिए और फैसले लेके उन्होंने चले गए वहां लंदन उन्होंने वहां पे वेस्ट मिनिस्टर जो मजिस्ट्रेट की वहां कोर्ट है लंदन में उनको उन्होंने केस कर दिया ये मसूद जो है जो माल्या साहब है ये हमारा यहाँ से 1.5 अरब डॉलर हमारे बैंकों का 13 बैंकों का लौट के आया हुआ है यहाँ पे ये हमारे वहां सुप्रीम कोर्ट या जो भी बड़ी कोर्ट है उसका ये फैसला मेहरबानी करना है इन्होंने यहाँ पे आके एक आप क्या रहते हैं तो इनको आप इनको हवाले करें दो चीजें की एक इनको हवाले करें क्रिमिनल हमारे मुल्क के ठीक है दूसरा ये पैसे लेके पैसे वापस करें पैसे वापस जनाब आप उनको वहां पे उनकी कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट वाली मैंने बताया वेस्ट मिनिस्टर की उन्होंने इंडियन हुकूमत के हक में उन्होंने फैसला दिया है और उनके एसेट्स वगैरह वो बेच नहीं सकते उनको फ्रीज किया उन्होंने सारे के सारे अब सवाल ये है कि इंडियन हुकूमत जो है ये भारतीय ताजर जो है सियासतदान विजय माल्या साहब है इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जाम थे अगर भारतीय हुकूमत जाके 1.5 बिलियन डॉलर पर शुरू कर सकती है मसला 1.5 अरब डॉलर के लिए इंडिया के 250-300 अरब डॉलर से ज्यादा के उनका रिजर्व है मसला उन्होंने मैसेज दिया है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भाग के जाएंगे जहां से लौट के ले जाएंगे इंडियन का पैसा हम आपको आपके हाथ पर शूट करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे वो सारा पैसा लेके आ रहे हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है जो मुल्क को लूट के गए 5 बराबर में जगा देंगे उसका सबसे बड़ा डिफेंड हकूम तो खुद कर रहे हैं इस मुल्क का वजीर आजम कि आप ये फैसले उठाएं चीजें उठाएं आप जाए वहां कोर्ट में इसी तरह वहां पर केसेस करें हमारा पैसा है जैसे आपने यहां से जरदारी के खिलाफ नवाज शरीफ ने किया था हमारा पैसा है आज तक आपको शहबाज शरीफ कहते हैं 7 मिलियन डॉलर हमारा है तो ये किसका पैसा जो आप यहाँ अरबों डॉलर लेके गए इनको तो केस करना चाहिए अब क्या हो रहा है ना मैं केस करना चाह ना FIA तैयार है ना आपका वजीर आजम ना पार्लियामेंट ना आपकी कैबिनेट क्योंकि वे खुद क्राफ्ट है खुद पैसा लौट के गए इंडियन हुकूमत जो थी उन्होंने परसों की हमारी हुकूमत इसको ब्लॉक कर रही है बहुत बड़ा मेरा ख्याल है हमारे लिए एक लेसन है कि क्राफ्ट लोगों को आप एमनेस्टी ना दें हमने एमनेस्टी दी दुनिया पर क्या आप हमें लौट के गए लूटा पैसा वापस ले 2% को हलाल कर लो उन्होंने नहीं दी दे वेंट आफ्टर दैन तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम के लिए थोड़ा सा एक तरह का लेसन रिलेट भी करता है क्या सब जरा